फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जनरली नाइन टेंथ में हम लोग इसको बात करते हैं सराउंडिंग। यानी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बात की जाती है, तो यहाँ इसको हम बोल रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है एक्चुअल में, इट इज कोऑर्डिनेट, इट इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, इसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे जनरली हम लोग क्या बात करेंगे, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और इसके बारे में हम लोग बात करते भी आए हैं। ये एक्स एक्सिस है हमारे लिए, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है जो कि इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये एक तरह से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यह है जिसमें न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। दूसरा पॉइंट होगा कि ये ठीक है कि न्यूटन के लॉज वैलिड है ना, लेकिन जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो यानी है क्या है एक्चुअल में, तो ये है कि अगर कोई भी फ्रेम जो है रेस्ट पर है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, तो यहाँ मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि अर्थ जो है उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अज्यूम करते हैं, ये है नहीं। क्यों? उसका रीजन क्या है कि ये सन के चारों ओर दरअसल क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है और अपने एक्सिस के अबाउट भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब भी कोई फ्रेम अगर रोटेट करता है या अगर किसी के अबाउट अगर रिवॉल्व कर रहा होता है, वो जो फ्रेम होता है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो नहीं सकता, यानी इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता हो। इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये है कि उसकी उस फ्रेम की वेलोसिटी क्या होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या तो जीरो हो या कांस्टेंट वेलोसिटी, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। यानी इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर देखा जाए तो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मालूम है। ये एक तरह से एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और लेकिन इसको समझे कैसे फिर, तो हमने क्या माना कि अर्थ को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अज्यूम कर लेते हैं। तो अर्थ हमेशा हमारे लिए क्या दिखती है, हमें हमेशा दिखता है कि अर्थ रुका हुआ है और सन इसके चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। हमें ऐसा लगता है भाई कि अर्थ रुका हुआ है, तो अर्थ को हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं अभी नोट भी लिखवा दूंगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ है कि एक तो न्यूटन के लॉज क्या होने चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कितने तरीके हो गए, दो तरीके के हो सकते हैं, मतलब टू टाइप्स हैं इसके। कौन कौन से? पहला है इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा, इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, लिख रहा हूं मैं, स्पीड नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अगर मैं अर्थ को अज्यूम कर लेता हूँ कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हमें समझना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि अर्थ को हम लोग क्या मानते हैं, रेस्ट पर है। तो इसका मतलब अगर कार है, अगर कार अर्थ के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, इसका मतलब है कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। और अगर कार मान लो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो भी इसका मतलब कार क्या हो गया हमारे पास, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है, यानी अर्थ को हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में कार रुका हुआ है तो भी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई कार। अगर वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है कार विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, तो भी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ये पॉइंट समझ में आया मैंने क्या कहा? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। समझ में आ रहा है बात? तो क्या पॉइंट बोला? यस सर। दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। अब इसमें क्या होगा, पहला इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सलरेटिंग if frame of reference accelerating with respect to inertial frame of reference, तो वो non inertial frame of reference हुआ। दूसरा if frame of reference is rotating with respect to इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये भी क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। जैसे कार का एग्जांपल लेते हैं वापस से, अर्थ को हमने अज्यूम कर लिया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर कार एक्सेलरेट कर रही है किसी एक्सेलरेशन से, इसका मतलब कार नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, है ना। अगर आप मान लो वर्टिकल मेरी गो राउंड में बैठे हो या हॉरिजॉन्टल मेरी गो राउंड में बैठे हो और वो रोटेट कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में जाके अगर हम बात करेंगे, तो वो भी क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। यहां तक पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट यहां इसमें ऐड कर लेता हूं मैं, इट इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम थ्रू विच द स्टेट ऑफ रेस्ट और state of motion of an object is observed. ठीक है, तो ये मतलब है, इसका टाइप भी मैंने आपको बता दिया है, इनर्शियल है, इनर्शियल भी कौन कौन है, नॉन इनर्शियल कौन कौन है, ठीक है। और एक नोट लिख लेंगे यहाँ सर, वो लिखना है सर, वो स्टेट ऑफ रेस्ट। हाँ लिख लो, हो गया सर। नोट क्या है, अर्थ इज अज्यूम्ड to be Earth is assumed to be an inertial frame of reference. Okay.
तो ये हमारे पास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेकर बात हो गई है। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नहीं कि कार ही है या अर्थ ही है, बाइक भी हो सकती है, बाइसाइकिल भी हो सकती है, एक एंट हो सकता है, फैन हो सकता है, कोई फ्लाई हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, सब पे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास में इसमें कॉन्सेप्ट आता है स्यूडो फोर्स का। तो ये स्यूडो फोर्स क्या है, एक इमेजिनरी फोर्स है। इट इज एन इमेजिनरी फोर्स। इट कम्स इन पिक्चर व्हेन एन ऑब्जेक्ट is being observed from non-inertial frame of reference. It comes in picture when an object is being observed from non-inertial frame of reference to find the acceleration, velocity, displacement, of the object with respect to non-inertial frame of reference, ठीक है। क्या लिखा मैंने, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, इट कम्स इन पिक्चर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम non-inertial frame of reference टू फाइंड द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा भी हो सकता है यहाँ, ठीक है ना, etcetera of the object with respect to non-inertial frame of reference, okay? तो ये point है इसके अंदर। non-inertial frame of reference के respect में जब किसी object को observe किया जाएगा तो उसका उसके respect में उसका displacement क्या है, उसकी velocity क्या है ना, इन सब के बारे में जब बात करेंगे तब हम लोग इस pseudo force को consider करेंगे। तो मैंने पहले बोल दिया ये imaginary force है, ये real force नहीं है। अभी तक के जितने भी आपने 5 फोर्सेस पढ़े हैं, वेट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये 4 फोर्सेस। अब पांचवा जो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो पढ़ेंगे हम लोग, वो भी ये जो 5 फोर्स है ये रियल फोर्स है। स्यूडो फोर्स ये रियल फोर्स नहीं है। ये जो फोर्स है ये फ्रेम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स upon the frame of reference. Real force frame पे depend नहीं करते हैं, आरिवास में ये depends upon the frame of reference। यहां लिख देता हूं मैं, real forces do not depend upon the frame of reference।
ओके, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। किसी भी फ्रेम में जाओगे, चाहे वो एक्सलरेटिंग हो, चाहे रोटेटिंग हो, चाहे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जा रहा हो, चाहे वो रेस्ट पर हो, सबके रेस्पेक्ट में रियल फोर्स की वैल्यू वही रहेगी। लेकिन सूडो फोर्स में ऐसा नहीं होता है। ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो सूडो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी एक्सलरेटिंग फ्रेम से देखोगे तो सूडो फोर्स मिलेगा। किसी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जा रहा है तो उस केस में सूडो फोर्स जीरो हो जाएगा। यानी इसका मतलब है फ्रेम पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप रियल फोर्स की बात करोगे तो ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं। आप एक्सलरेटिंग फ्रेम से देखोगे तब भी वही वैल्यू है, ग्राउंड से देखोगे तब भी वही वैल्यू है, रोटेटिंग फ्रेम से देखोगे तब भी वही वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई फ्रेम जा रहा है तब भी वही वैल्यू है, अगर रेस्ट पर है तब भी वही वैल्यू है। क्लियर है पॉइंट? अब बात आती है कि इसकी कोई डाउट है? नो सर। अब बात ये आती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम, जैसे मैंने पहले लिखवाया यहाँ, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, इट कम्स इन पिक्चर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम ऑब्जर्व करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो वहां सूडो फोर्स की बात नहीं करेंगे, है ना? क्लियर है? ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, वो पहले बताता हूं मैं आपको, है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसको मैं एफ पी एस लिख रहा हूं, सूडो फोर्स, ठीक है, इक्वल टू होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी एस्पेशली किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेटिंग की। इट मींस एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, उसके एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं। यानी हो जाएगा हमारे पास में एम इंटू ए, है ना, या एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब बात करते हैं डायरेक्शन क्या है। भाई ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इट इज ऑलवेज It is always just opposite to the. It is always just opposite to the acceleration of non-inertial frame of reference. It is always just opposite to the acceleration of non-inertial frame of reference. Okay, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी sudo force को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और FPS vector equal to होगा minus MA vector. यानी A vector क्या हो गया,
एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि उसके अपोजिट हो गया. जस्ट ये बात समझ में आई सबको. मेरी आवाज आ रही है? यस सर. यस सर. ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है जो बोला मैंने? हाँ सर. है ना? हाँ सर. अब क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में कहानी क्या चल रही है. तो जैसे एग्जांपल लेता हूँ एक एक करके. मैं कुछ एग्जांपल मैंने आपको पहले भी थोड़ा ऊपर ले सकते हो क्या? नोट कर. हाँ लिखो. सर. हाँ बोलिए. सर जो पहले बार फॉर्मूला लिखा ना एफ इक्वल्स टू एम में, उधर भी ए वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है लिखा ना. एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो नॉन इनर्शियल ही है ना. लिखा ना. देखो यहाँ, देखो इसके ऊपर जाओ. यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? Acceleration of non-inertial frame of reference. It means accelerating frame of reference. Clear? Yes, sir. Hmm. Clear? Ah, sir. अब जैसे एक example मैं ले रहा हूँ कि मान लो कि ये एक लिफ्ट है और यहां मान लो ये एक बॉल है, मान लो ये रॉप है, ये हमारे पास में रॉप है, ये बॉल है, और यह मान लो एक बंदा इस लिफ्ट के अंदर है. ठीक है, ये मान लेते हैं बंदा बी है और एक बंदा यहाँ है जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ है. ऐसे देखो, ऐसे ऑब्जर्व करो. मान लो आप मॉल में हो और मॉल में जो लिफ्ट है वो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है और आप ग्राउंड पे खड़े हो और आपका फ्रेंड इसके लिफ्ट के अंदर है जो कि बी फ्रेंड है आपका और आप ए हो. ठीक है, अब अगर दोनों से पूछा जाए कि टेंशन क्या होगा, तो आप देख रहे हो कि टेंशन रियल फोर्स है कि नॉन और वर्चुअल फोर्स है या इमेजिनरी फोर्स है. क्या है? रियल है टेंशन. रियल है सर. रियल है ना. हमें यहाँ क्या चाहिए दरअसल? फाइंड दी टेंशन फोर्स इन ड्रॉप. और इस बॉल का जो मास है वो मैंने मान लिया कि एम है ना. या मैं ए इक्वल टू मान लेता हूं कि ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है. एम इक्वल टू आपका बॉल का जो मास है वो मैंने मान लिया कि 2 kg है और जी की वैल्यू मैंने मान लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. ये हमारे पास में गिवन है.
है ना, हमें क्या चाहिए, टेंशन चाहिए। मैं यहाँ पहले ग्राउंड से देख रहा हूँ इसको, यानी पहले ग्राउंड से, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले बात कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट रुकिए। अब जैसे हमारे पास में है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम बात करें, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप इसका एफबीडी बनाओ, तो अगर एफबीडी आप बनाते हो, इस बॉल को डाउनवर्ड क्या लग रहा है, ME2G लग रहा है, और इस बॉल को ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टी लग रहा है, और आप देख रहे हो कि लिफ्ट के साथ ये ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे, F equal to T, यानी T minus mg, net force लिखोगे, equal to mass into acceleration, okay? तो यहाँ T कितना आ गया इस केस में, देखो mg plus ma, m कितना यहाँ 2 kg, तो 2 × 10 plus 2 × 2, तो टेंशन कितना आ गया 24 न्यूटन, ये हमारा आंसर होगा। ये बात सुन भाई, अभी मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, लेकिन ग्राउंड, ग्राउंड को क्या अज्यूम कर रखा हमने, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वहां न्यूटन के लॉज क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, ये पॉइंट क्लियर है पहले तो। यस सर। अब मैं जाता हूं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, यानी ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए, बात किया हमने। अब जाते हैं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सलरेट कर रही है, यानी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन टू, सॉरी पर्सन बी, है ना। अब अगर लिफ्ट एक्सलरेट कर रही तो क्या होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, लेकिन आप ऐसे समझो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप खुद लिफ्ट में चले जाओ। अब तो आप देख रहे हो कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बॉल रेस्ट पर है कि नहीं भाई, ऐसे समझो कि आप मान लो कोई सामान भी लेके आते हो लिफ्ट में चले जाते हो, लिफ्ट ऊपर जा रहे हो, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में वो जो सामान है और आप जो वहां खड़े हो, तो आप क्या हो, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, वो सामान भी क्या लिफ्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है कि नहीं, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, लिफ्ट में क्या उन सामानों की पोजीशन चेंज हो रही है। अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में क्या हुए, रेस्ट पर हुए। क्योंकि रेस्ट का मतलब क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होता है, यानी उसके कोऑर्डिनेट अगर चेंज नहीं हो रहे होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो रेस्ट पर ही है। तो बॉल की अपनी पोजीशन कहाँ चेंज हो रही है, देखो इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ इसके रेस्पेक्ट में जो भी डिस्टेंस वही बनी रहेगी, इसके रेस्पेक्ट में जो भी डिस्टेंस उसकी बनी रहेगी, इसके रेस्पेक्ट में जो भी डिस्टेंस वो बनी रहेगी, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बॉल रेस्ट पर है, तो वो पर्सन क्या देखेगा, अगर वो सॉल्व करेगा तो उसको क्या लग रहा है। और आपको ये भी पहले बता चुका हूं मैं कि जिसके रेस्पेक्ट में जाते हैं उसको रोक देते हैं, तो ये बॉल को जब ये बंदा देखेगा, इसके रेस्पेक्ट में तो बॉल क्या है, यहाँ रुकी हुई है, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि अगर रुका हुआ, यानी इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, बॉल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो रहा है, जीरो है, तो ये क्या कहेगा कि ऊपर इसको टी लग रहा है, डाउनवर्ड इसको एमजी लग रहा है, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ एम इंटू जी आ गया, एम की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है, जी की वैल्यू यहाँ 10 है, तो ये तो कह रहा है कि 20 न्यूटन आंसर है, लेकिन यहाँ तो टेंशन ही चेंज हो गया। समझ आया, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो यानी टी इक्वल टू एम जी आ गया। तो मैंने तो ये कहा कि टी तो, लेकिन टेंशन तो रियल फोर्स है, तो
रियल फोर्स है तो उस फ्रेम से भी वैल्यू यही आना चाहिए, कितनी 24, लेकिन यहाँ तो वैल्यू क्या आ गई 20 न्यूटन, इसका मतलब न्यूटन का लॉ यहाँ फेल हो गया ना। अब क्या करेंगे, न्यूटन को लॉ को वैलिड करने के लिए, या ऐसे समझो उसको भी छोड़ो, क्वेश्चन करने के लिए हमने एक तरह से एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिससे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ये जो मैं सूडो फोर्स पढ़ा रहा हूँ, एक तरह से समझो कि कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया जिससे क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो क्या होगा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। तो करना क्या है, अभी हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ हमारा क्वेश्चन करने के लिए हम लोग उसको लेकर आए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये लिफ्ट किधर एक्सेलरेट कर रही है, ये लिफ्ट किधर एक्सेलरेट कर रही थी, ऊपर, इसके रेस्पेक्ट में चले गए हम लोग, क्योंकि यहाँ सूडो फोर्स की बात करें, मतलब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लिफ्ट को रोक दिया, सूडो फोर्स किधर लगना चाहिए, इसका यहाँ एफबीडी बनाओ, इसको टी ऊपर की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड एमजी लग रहा है, सूडो फोर्स किधर लगना है, लिफ्ट के अपोजिट, लिफ्ट का एक्सेलरेशन किधर है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, यहाँ सूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे, सूडो फोर्स किधर लगेगा, सूडो फोर्स नीचे लगेगा, किधर लगेगा, नीचे, कितना लगेगा, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। अब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है कि नहीं, रेस्ट पर है, जीरो पर है, यहाँ देखो t इक्वल टू क्या हो गया, mg प्लस ma हो गया, यानी t की वैल्यू हमारी करेक्ट आ गई, तो 2 × 10 + 2 × 2 यानी कितना हो गया 24 न्यूटन आना ही था, क्योंकि हमने एक फोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ सिर्फ किस लिए, क्वेश्चन करने के लिए, किसके लिए इंट्रोड्यूस किया, क्वेश्चन करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, हमारी करेक्ट रीडिंग आ गई है, ये क्वेश्चन समझ में आया, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये हमारे पास क्या हो गया, एफ पी एस हो गया, और ये हमेशा किधर लगेगा, जो भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सेल एंड और इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो भी कौन सा, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात समझ में आई, यस सर, है ना। अब जैसे और भी क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लो यह हमारे पास में ये एक वेइंग मशीन है, और ये आदमी इस पे खड़ा हुआ है, इस आदमी की रीडिंग चाहिए अपने को, और लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, और a इक्वल टू मैंने मान लिया 2 m/s² है, इस आदमी का मास हमने मान लिया कि 60 kg है, है ना। हमें बताना है फाइंड दी, इसको ग्राउंड से भी कर सकते हो आप, उससे भी करके दिखाऊंगा, फाइंड दी रीडिंग ऑफ दी वेइंग मशीन, फाइंड दी रीडिंग ऑफ दी वेइंग मशीन, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या है। तो क्या करेंगे, इसको दोनों तरीके से करेंगे, पहला मेथड, यानी विद रिस्पेक्ट टू, तो आप देख रहे हो कि आदमी भी तो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एफबीडी बनाओ, तो आप देख रहे हो कि इसको यहां से नॉर्मल लग रहा होगा,
डाउनवर्ड इसको एम इन टू जी और ग्राउंड से देख रहे हैं तो नीचे क्या कर रहा है ये, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ, एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए और एन इक्वल टू क्या लिखोगे, एम जी माइनस एम ए, एम को बाहर ले लो तो जी माइनस ए, एम की वैल्यू क्या है यहाँ, एम की वैल्यू है 60, टेन माइनस टू तो एन आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, 60 इंटू एट यानी कितना हो गया हमारे पास 4418 न्यूटन है ना। लेकिन हमने कहा रीडिंग, रीडिंग क्या हो जाएगी, तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, इसको ऐसा करते हैं एन डैश ले लेते हैं, तो एन डैश बाई जी ना, एन डैश की वैल्यू कितनी है 48 बाई 10, तो रीडिंग कितना दिखा रहा है 48 केजी दिखाएगा, वेइंग मशीन कितना दिखाएगा 48, लेकिन एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में तो 60 केजी है, लेकिन दिखाएगा क्या हो, क्यों है ना, समझ आई बात। अब इसको करता हूं मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो ये तो आंसर आ गया हमारा, ये क्या हो गया एक तरह से अपरेंट वेट ही तो हो गया, इसको आप चाहो तो अपरेंट वेट बोल सकते हो है ना। दूसरा मेथड, इसको मैं सूडो फॉल्स अप्लाई करेंगे हम लोग, तो सूडो फॉल्स की बात करते हैं, मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बात करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम बात करेंगे, तो जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसको रोक देते हैं, ये रोक दिया, ये वेइंग मशीन है, ये आदमी है ना, और ये रुक गया, तो ये आदमी भी इसके रिस्पेक्ट में रुक गया, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहां देखो इसका एफबीडी बनाओ, इसको डाउनवर्ड क्या लगेगा, ये तो रियल फोर्स है एम जी लगेगा, एन डैश पे रियल फोर्स है ये ऊपर लगेगा। अब ये लिफ्ट किधर जा रहा था, आर नो बताइए लिफ्ट किधर जा रहा था, पहले लिफ्ट किधर जा रहा है, यहाँ इस केस में मैंने लिफ्ट किधर जाते हुए माना है, नीचे जाते हुए माना है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, अच्छा तो आर्णव की आवाज नहीं आ रही, आर्णव को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोगों को समझ में आया, लिफ्ट किधर जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो अब इस आदमी को शूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर ऊपर लगेगा, कितना लगेगा, आदमी का मास इनटू लिफ्ट का एक्सेलरेशन, ये अगर रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स एन डैश प्लस एम ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम जी, यानी एन डैश इक्वल टू क्या आ गया, एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस एम ए, यही तो आ रहा था, देखो तो इसका मतलब है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एक सूडो फोर्स वहां कंसिडर करेंगे, उससे क्या होगा हमारा क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहां तो न्यूटन के लॉ तो वैसे भी वैलिड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए हमने एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट वहां इंट्रोड्यूस कर लिया ताकि हम क्वेश्चन कर सकें, तो ये आंसर आ गया, कितना हो गया 60 10 माइनस 2 तो कितना हो गया 48 न्यूटन, तो रीडिंग कितनी होगी एन डैश बाई जी यानी 480 बाई 10 कितना हो गया 48 न्यूटन, यही आंसर है, ये बात समझ में आ गई, तो आगे चले। हाँ सर। तो
अब देखो आपको क्वेश्चन देता हूं मैं करने के लिए। तो आप आइए यहाँ, आप पेज नंबर 21 पर आइए। तो आप लोग इसमें ये क्वेश्चन करो, आप 27, 28 और 29 करिए क्वेश्चन। भाई आप, आपके पास है ना बुकलेट है ना? यस सर। बुकलेट में क्वेश्चन दिख रहा है आपको? मैंने जो बोला है वो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? हाँ सर। हाँ करो 27, 28, 29। सर 29 है ही नहीं, 26, 27, 28। अच्छा तो ये इस तो वही करो फिर, मेरे ख्याल से ये इसके बाद होंगे ना, ये सूडो फोर्स के बाद में, जो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद। हां सर पीछे है, पीछे है। हां ये तो करो। ट्वेंटी सिक्स तो ये होगा मेरे ख्याल से, फॉर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड, है ना? नहीं सर वो 27। अच्छा 27 है। तो 27 फिर आपके क्या है, ये हो गया। 28 क्या है आपके? हैवी ब्लॉक कैप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड बीइंग पुल्ड बाय टू रोप। कोई बात नहीं, मैं अभी देखो एक मिनट, आप वाली शीट भी डाउनलोड कर लेता हूँ। आप ये करो फिर 31 करो, 31 क्वेश्चन तो कर सकते हो ना, वो करो फिर।
31 और 30 तो कौन सा क्वेश्चन है सर? कौन क्या बोले? 31 तो ये हो गया जो मैं बोल रहा था. 30 कौन सा क्वेश्चन? 30 कौन सा क्वेश्चन है बोलेंगे आप? अ बॉक्स इज मूविंग अपवर्ड. हां हां तुम वो भी करो, दोनों क्वेश्चन 30 और 31 दोनों करो. ठीक है. हो गया क्या? हाँ सर.
30 क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, 31 बताऊं क्या मैं? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो सर, आ रही है, आ रही ना? बताऊं क्या 31 क्वेश्चन? थर्टी वन में क्या हो रहा है? ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, है ना? यानी हमें ये ऐसा दिया है, ये एक वेज है, और ये एंगल थीटा है, ये मास कैपिटल एम है और ये मास स्मॉल एम है। इसको मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, और ये ग्राउंड है। क्या कह रहा है? ऑल सरफेस आर स्मूथ इन द adjoining figure, find f such that block remains stationary with respect to waves. यानी ये जो पीछे से push कर रहा है, ये हमें बताना है इस f की value क्या है कि ये stationary रहे। stationary का मतलब क्या हुआ? दोनों का acceleration क्या रहे? a और b का same रहे, यही मतलब हुआ, है ना भाई? waves के respect में अगर a stationary है, इसका मतलब दोनों का acceleration क्या हो गया? same हो गया। तो दोनों क्या कर रहे हैं, इसका मतलब साथ में चल रहे हैं। तो अगर साथ में चल रहे हैं तो इस केस में देखो इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। इस डायरेक्शन में ए मान लेता हूं मैं, यानी इस बेस का एक्सेलरेशन क्या हो गया ए, तो इसका भी तो ए एक्सेलरेशन हो गया। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या लिखोगे आप? एफ इक्वल टू एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए लिखोगे ना। यानी यहाँ ए की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में? एफ बाई एम प्लस एम आ गया। भाई ये इक्वेशन समझ में आई? पहले तो दोनों साथ में चल रहे हैं ना, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब मैं यहां जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वेज, विद रिस्पेक्ट टू वेज का मतलब क्या हुआ? यानी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी क्या कर रहा है यहां? बी क्या कर रहा है? इधर एक्सलरेट कर रहा है, तो जब उसके रेस्पेक्ट में जाएंगे तो उसको क्या करोगे आप? रोक दोगे, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में जाते हैं उसको रेस्ट पर ले आते हैं। तो ये एंगल क्या हो गया? थीटा। तो ये तो रुक गया। आप इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं आपको? ए ब्लॉक पर अगर इसका एबीडी बनाता हूं तो इस पर कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं? एमजी हो गया, नॉर्मल हो गया, और बस दो ही फोर्स हैं रियल फोर्स। तो नॉर्मल कैसे लग रहा है इसको? नॉर्मल ऐसे लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और एमजी किधर लग रहा होता है? डाउनवर्ड लग रहा होता है। अब ये अगर इस, अब देखो ये रुक गया तो फिर ये भी तो रेस्ट पर ही आ गया, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पर ही था। इसका मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, लेकिन आप ये देखो अगर इन फोर्सेस को देखो तो इनके अकॉर्डिंग तो रेस्ट पर ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा? शूडो फोर्स भी रखेंगे। क्वेश्चन करना है ना क्योंकि अपने को, तो क्वेश्चन करने के लिए शूडो फोर्स भी कंसिडर करेंगे। शूडो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में। लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में लगेगा। कितना होगा मैग्नीट्यूड? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है यहाँ? वेज। ये क्या हो गया हमारे पास में? एफ पी एस हो गया। ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया।
इसका मतलब अगर रेस्ट पर है तो सब फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। ये एंगल क्या निकल के आता है, थीटा। इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, एन कॉस थीटा। इधर क्या होगा ये, एन साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एन कॉस थीटा इक्वल टू हो गया एम जी, एन साइन थीटा इक्वल टू हो गया एम ए, है ना। तो ये हो गए हमारे पास में इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर थ्री में थ्री डिवाइडेड बाई टू कर देता हूँ, क्या जाएगा एन साइन थीटा बाई एन कॉस थीटा इक्वल टू एम ए बाई एम जी, यानी ए बाई जी। यहाँ एन से एन कैंसिल आउट हो गया तो ए इक्वल टू क्या आ गया, जी टेन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास में ए की वैल्यू क्या है, यहाँ ये है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, एफ बाई एम प्लस एम। तो मेरे पास एफ की वैल्यू आ गई है एम प्लस एम इंटू जी इंटू टेन थीटा। ये आंसर है, कितने लोगों ने कर लिया था मुझे बताएंगे आप लोग, मैं जानू तो सही कितने लोगों को समझ में आया, बताइए मुझे, बता दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए भाई मैसेज, कितने लोगों ने किया मुझे पता तो चले। कौन कौन कर लिया, हर्ष ने कर लिया, पीयूष ने कर लिया, संस्कार ने कर लिया, वायर वेदांत है, वस्तादेश है, संस्कार है, आर्यन मानस, वेरी गुड, अथर्व देशमुख, आर्यन देशमुख, राहुल, वेदांत, सतीश, श्याम कुमार, बहुत बढ़िया यार, कोई दिक्कत ही नहीं है तो बहुत बढ़िया बेटा। गौतम, चलो अच्छा है, काफी लोगों ने किया है, बाकी लोग भी करो, समझ में आएंगी चीजें, है ना। ये आपका टॉपिक हो गया, अभी आप पॉज कर लो इसको, रिकॉर्डिंग को। क्वेश्चन नंबर बी टू, क्या दिया हुआ देखो अपने को, यहाँ टू फोर्सेस ऑफ सिक्स न्यूटन एंड थ्री न्यूटन आर एक्टिंग ऑन द टू ब्लॉक्स ऑफ टू केजी वन केजी केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, यानी ऐसा दिया भाई। और ये ब्लॉक यहाँ है, ये सिक्स न्यूटन है और ये थ्री न्यूटन है, ये वन केजी है और ये टू केजी है। तो कह रहा व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन टू केजी ब्लॉक बाय वन केजी ब्लॉक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ देखो पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये सिस्टम हम लोग मानते हैं तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, ऐसा करते हैं या एफबीडी बना लेते हैं, तो इधर कितना लग रहा है, सिक्स न्यूटन। तो यहाँ जो नॉर्मल लगेगा वो मैंने मान लिया एन डैश है इसको, तो इसको एन डैश किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा एन डैश, और साथ में इसको इधर थ्री न्यूटन फोर्स भी लग रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी ए होगा, क्योंकि दोनों साथ में मूव करेंगे, क्योंकि ये फोर्स वैसे भी ज्यादा है, ये दोनों इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। और वैसे भी बोला था कॉमन नॉर्मल कह लोगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको इसको देखो आप, इस पर नेट फोर्स क्या है राइट साइड में, तो वो लिखोगे आप सिक्स माइनस एन डैश इक्वल टू, इसका मास कितना है टू के जी, तो टू इंटू ए, इसके लिए आप लिखोगे, इस पर नेट फोर्स देखो राइट साइड में कितना है एन डैश माइनस थ्री इक्वल टू, इसका मास कितना है वन के जी, तो वन इंटू ए, दोनों का ऐड कर देते हैं तो वन प्लस टू। तो आप देख रहे हो कि जब ऐड करोगे तो सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू टू ए प्लस ए इक्वल टू थ्री ए, और यहाँ कितना हो गया हमारे पास थ्री, ए की वैल्यू कितना आ गया वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देता हूँ मैं सिक्स माइनस एट एन डैश इक्वल टू
टू इंटू वन, तो आप देख रहे हो कि सिक्स माइनस टू इक्वल टू एन डैश इक्वल टू क्या हो गया 4 न्यूटन, ये आंसर होगा। पॉइंट समझ में आया सबको, आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास में सी टू, सी टू में क्या कह रहा है, टू पर्सन्स आर होल्डिंग अ लाइट रॉप टाइटली एट इट्स टू एंड्स सो दैट इट इज हॉरिजॉन्टल, अ 15 केजी वेट इज अटैच्ड टू द रॉप एट द मिड पॉइंट व्हिच नाउ नो लॉन्गर रिमेंस हॉरिजॉन्टल। यानी ऐसा है, ये ग्राउंड है और एक बंदा यहाँ है और एक बंदा यहाँ है और यहाँ इनके बीच में रॉप है, है ना, ये रॉप है यहाँ, तो अभी ये एकदम स्ट्रेट है, ये जो रॉप है ये एकदम स्ट्रेट है, अब क्या किया इन्होंने, यहाँ मास अटैच किया मिड पॉइंट पर, तो मिड पॉइंट पर मास अटैच करने के बाद क्या सिचुएशन हो जाएगी, देखो यहाँ ये जो रॉप है वो ऐसे हो जाएगी, यानी इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, मैंने मान लिया ऐसा, तो इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ, क्योंकि मिड में इसलिए थीटा थीटा दोनों इक्वल होंगे, यहाँ एम इंटू जी लग रहा है जो कि कितना हो गया, मतलब 15 इंटू जी, यानी जी की वैल्यू 10 मान लेंगे तो 150 न्यूटन आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा देखो, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा इसको, इधर टेंशन टी लग रहा होगा, इसको टी इधर लग रहा होगा, और सिमेट्री है तो यहाँ भी क्या होगा टी होगा, क्योंकि ओरिजिनल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे इसके, यहाँ भी टी होगा और यहाँ भी टी होगा, तो टी का वर्टिकल कंपोनेंट देखो क्या हो जाएगा, यहाँ t cos थीटा इसका हो जाएगा प्लस उसका भी t cos थीटा इधर हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर बात करोगे तो क्या मिलेगा t sin थीटा, और इधर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या मिलेगा t sin थीटा, तो इक्वल होनी चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो मूव कर नहीं रहे हो, इसलिए मैंने t sin मान लिया था, तो यहाँ क्या हो गया देखो 2t cos थीटा इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास में m into g, रहने देते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा देखो, t इक्वल टू एम जी बाई टू cos थीटा, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, द मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली स्ट्रेटन द रॉप, यानी इसको स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट करने का मतलब समझ मारा आपको, थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, तो इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री होने का मतलब देखो स्ट्रेट हो जाएगा इसकी तरह, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो अगर मान लो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो आप देखो कि टी इक्वल टू क्या आ रहा है एम जी बाई टू इंटू जीरो, यानी ये वैल्यू क्या आ रही है इनफाइनाइट आ रही है, इसका मतलब नॉट डिपेंड हो गया ना, क्योंकि इतना फोर्स आप लगा नहीं सकते हो, इसका आंसर क्या होना चाहिए इनफाइनाइटली लार्ज, क्या हो गया एक तरह से कितना फोर्स लगाया हमने इनफाइनाइटली लार्ज, क्योंकि पॉसिबल नहीं वैसे तो ये तो, और नॉट पॉसिबल, तो ये आंसर है मेरे ख्याल से, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सी टू भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में सी फाइव, से फाइव में क्या कह रहा है कि ये एक पुली है, ये सीलिंग है, पार्टिकल ऑफ मास है में जॉइंट, यानी इस तरह से इधर की तरफ पार्टिकल है, इधर ये हैवी मास है, हैवी मास
स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास एम इज जॉइंट टू वेरी हैवी, यानी इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है पार्टिकल ऑफ स्मॉल मास एम इज जॉइंट टू वेरी हैवी बॉडी बाई अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर लाइट पुली. बोथ बॉडीज आर फ्री टू मूव. द टोटल डाउनवर्ड फोर्स ऑन द पुली ड्यू टू स्ट्रिंग इज नियरली. क्या कह रहा है? ऑन द पुली मतलब किसकी बात कर रहा है? इसका एबीडी बना लेते हैं. यानी इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है? यहाँ टी लग रहा है. इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है? टी लग रहा है. इसको ऊपर क्या लग रहा है? टी लग रहा है. और इसको भी ऊपर की तरफ टी लग रहा है. और ये हैवी है. हैवी का मतलब यहाँ ये काफी ज्यादा है इसके कंपेरिजन में. तो हमें ये बताना है कि ये टू टी कितना है, ये बताना है हमें. इस पर जो फोर्स लग रहा है ना टू टी, ये फाइंड करना है. टी और ये टी. तो क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हो गया एम इन टू जी लग रहा होगा. यहाँ डाउनवर्ड क्या लग रहा है? इसको एम जी लग रहा है. तो ये मान लेते हैं कि ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है. तो सिंपल सी बात है, रोप जो यहाँ इनएक्सटेंसिबल है तो ये ऐसे ऊपर जा रहा होगा. इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे हम लोग? टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए. इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे. क्या हो जाएगा? एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए. इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन नंबर टू, हम पहले क्या करते हैं, या तो ए को एलिमिनेट कर देते हैं या टी को पहले निकाल लेते हैं. तो वन प्लस टू कर लेते हैं. तो हमारे पास क्या आ गया? एम जी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए प्लस एम ए. यहाँ से ए मिल गया मुझे. एम माइनस एम इंटू जी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम. इस ए को या तो इसमें रख दें या उस दूसरी इक्वेशन में रख दें. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टी इक्वल टू हो जाएगा एम जी प्लस एम, और ये एम माइनस एम इंटू जी डिवाइड बाई एम प्लस एम. यहाँ से एम जी को बाहर ले लो. तो एम प्लस एम प्लस एम माइनस एम डिवाइड बाई एम प्लस एम. आप देखो ये एम से एम कैंसिल आउट हो गया है, टू एम हो गया. यानी टू एम एम जी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, ये टी आ गया. अब यहाँ मैं कैपिटल एम से डिवाइड कर देता हूँ. क्या मिलेगा मुझे? टू एम जी डिवाइडेड बाई वन प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम. आप देख रहे हो कि क्वांटिटी जीरो हो गई. अल्टीमेटली कितना आ गया है? टू एम जी. तो पुली पर फोर्स कितना लगा है यहाँ देखो? तो पुली पर फोर्स हो गया फोर एम जी. ये आंसर होना चाहिए क्योंकि टी की वैल्यू क्या मिली अपने को? 2mg. तो आंसर क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन हो गया. ये समझ में आया सबको? सर नीचे कीजिए ना, वो लास्ट वाला पार्ट लिखना है. सर इसका पीछे आंसर 4mg दिया है. हाँ तो 4mg थे, मैंने कहा मना किया. बोल तो रहा हूँ ना, ये रहा आंसर. ओके हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. Oh, yeah, sir. C3 क्या कह रहा है देखो. In the system shown in the figure, the acceleration of the 1 kg mass and tension in the string connecting between A and B. यानी ये सिस्टम ऐसा दिया है. ये 3 kg है यहाँ.
ये थ्री केजी ये 1 kg है, तो ये ए बी और ये सी है, ओके। ये पूछ रहा है कि इन द सिस्टम शोन इन फिगर द एक्सेलरेशन ऑफ द 1 kg मास, एक तो वो बताना है, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो आप खुद ही देखो, इधर देखा जाए तो टोटल मास इधर साइड में, इधर लेफ्ट साइड में कितना है, टोटल मास 4 kg है ना। अगर इन दोनों को आप मिलाओ या देखा जाए तो मास कितना है, 4 kg है। तो अभी अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा वो यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। तो वैसे यहाँ टेंशन भी चाहिए अपने को, तो एक काम ये भी कर सकते हो कि इधर की तरफ आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए, इसका भी क्या होगा ए, और इसका भी क्या होगा ए। तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी क्या है था, टी, टी किसका था, इसका टी था वो, तो वो टी क्या मिला था एक तरह से हमें 2 mm, है ना। और इस पूरे को एक साथ मान लेंगे हम लोग, ये पूरा एक साथ है ऐसा मान के करेंगे अभी इसको। तो 2 mm इंटू जी एम प्लस एम, तो यहाँ देखो कैपिटल एम क्या है यहाँ, तो 2 इंटू कैपिटल एम हो गया 4 इंटू 3 इंटू जी बाई 4 प्लस 3, तो ये तो टी आ गया हमारे पास में। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ, 24 बाई 7 इंटू जी आ गया। लेकिन अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, अगर वहाँ अगर उसको सॉल्व करते आप तो एक्सेलरेशन मिलता दरअसल उस केस में कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइड बाई एम प्लस एम, यानी कितना हो गया 4 माइनस 3 इंटू जी डिवाइडेड बाई 7, यानी एक्सेलरेशन तो हो गया जी बाई 7। तो तीनों का एक्सेलरेशन है, एक आंसर तो ये आ गया। अब ऐसा करते हैं इसका एफ बी डी बनाते हैं, तो एफ बी डी ऑफ ए, ए का जब आप एफ बी डी बनाओगे ऊपर यहाँ टेंशन क्या लग रहा, मान लेते हैं टी डैश डाउनवर्ड इसका कितना हो गया 1 into जी कर देंगे, और ये नीचे कितने से आ रहा एक्सेलरेशन से, तो क्या लिखोगे आप यहाँ 1g माइनस टी डैश इक्वल टू, इसका मास 1 kg है, तो 1 into g by 7। तो आप देख रहे हो कि टी डैश इक्वल टू क्या आ गया, जी माइनस जी बाई 7, यानी 6g by 7, ये आंसर होना चाहिए, एक आंसर ये हो गया। तो उस रॉप में ए बी रॉप में जो टेंशन है वो ये है, और ये वैसे तो मैंने बताया था, पहले भी बताया, इसको सॉल्व करके आप क्या करो, ए कैसे मिलेगा यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि टी मिल गया था ना अपने को, तो टी की वैल्यू आप किसी, जैसे टी मिल गया है इस टी को, यानी इस टी को आप इसमें रख के देख लीजिएगा, है ना, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाला तो आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करने की। तो C3 हो गया, नेक्स्ट हमारे पास में C5 भी हमने कर लिया, C5 के बाद है D4, ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है अपने को, रॉड ए बी इज शोन फिगर, एक रॉड है यहाँ, तो ये बी पॉइंट है
ये ए पॉइंटेड इसको इंच किया हुआ है, तो आपको ये मान इतना तो पता होगा कि अगर ये रॉड है मान लो, अगर ये रॉड रोटेट करती है मान लो, तो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये अगर रोटेट करेगी तो ये ऐसे सर्कल में रोटेट करेगा, ये वाला पॉइंट ये बात समझ मारी, सब ऐसे रोटेट करेगा नहीं करेगा ये, इसका मतलब अगर ऐसे रोटेट करेगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इधर होगी ना, ये बात समझ आई पहले तो। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में जाएगा, यानी तो ये पॉइंट जो है इस सर्कल में जा रहा है, अब जैसे ये वाला पॉइंट की बात करेंगे तो ये इस सर्कल, ये इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा, ये इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा, ये इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा, ये समझ में आया सबको, आगे चलें। Yes, अब यहाँ क्या कह रहा है देखो, इस केस में कह रहा है कि ये इधर की तरफ जा रहा है, कितने से जा रहा है, वी इक्वल टू रूट थ्री मीटर पर सेकंड से। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन नॉर्मल के अलोंग, यहाँ नॉर्मल किधर है इनका दोनों का, इन दोनों का नॉर्मल तो इधर मिलेगा ना, क्योंकि एक पॉइंट और एक सरफेस है, यानी ये सरफेस है एक पॉइंट है, तो नॉर्मल कैसे देखते हैं हम लोग, सरफेस के परपेंडिकुलर देखते हैं, यानी नॉर्मल ऐसे है, इसका मतलब कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन या वेलोसिटीज या उनके कंपोनेंट्स सेम होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो रॉड है इसकी वेलोसिटी तो इधर है इस पॉइंट की, तो क्या कह रहा क्वेश्चन में, ये कह रहा है अ रॉड ए बी इज शोन इन फिगर एंड ए ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी रूट थ्री मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, द वेलोसिटी ऑफ एंड बी ऑफ द रॉड व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, यानी ये जो एंगल दिया है ये 60 डिग्री दिया है, ओके ये भी कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी तो इधर है ना, इस बी पॉइंट की वेलोसिटी तो इधर है बी, तो कॉमन नॉर्मल के लोग इसका मतलब क्या होगा, इसका ये कंपोनेंट जो है ये कंपोनेंट निकाल सकता हूं मैं, ये वर्टिकल लाइन है, ये एंगल कितना होगा, यहाँ देखो ये एंगल 30 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना है यहाँ, ये 60 डिग्री है, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ रहा है यहाँ, तो ये आ जाएगा वी बी साइन 60 डिग्री, और ये वी बी साइन 60 डिग्री किसके लिए इक्वल होना चाहिए, रूट थ्री के, यानी वी इक्वल टू वी बी साइन 60, तो हमारे पास हमें तो क्या चाहिए, ये तो दे रखा है रूट थ्री इक्वल टू वी बी, और ये कितना हो गया रूट थ्री बाई टू, यानी हमारे पास में वी बी इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी है पॉइंट बी की, ये लॉजिक समझ में आया। भाई ये सबको समझ में आ गया ना? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास में D5। अब D5 में थोड़ा पेशेंस रखिएगा देखो, है ना, इसमें थोड़ा पेशेंस से सुनना है, हो क्या रहा है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ जी क्या बोली, लास्ट वाला लिख रही थी, लास्ट वाला लिख रहे थे वो ऊपर, हाँ सर हो गया, हो गया ना, ठीक है। हाँ D5 में क्या हो रहा है देखो,
ये हमारे पास में ऐसा दिया है, तो ये ऊपर की तरफ कितने से जा रहा है, 2 meter per second से जा रहा है। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, इन द फिगर शोन द वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज 2 meter per second व्हाइल स्ट्रिंग इज वाइंडिंग। क्योंकि ये जो है ना, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, ये मशीन है, ये जो ए बोल रहा है ना, यहाँ यहाँ मशीन है, स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, ऐसे वाइंड कर रहा है ना। स्ट्रिंग इज वाइंडिंग ऑन द मोटर शाफ्ट विद वेलोसिटी 2 meter per second, यानी कितनी स्पीड से वाइंड कर रहा है, 2 meter per second से वाइंड कर रहा है उसको, यानी रॉक 2 meter per second से उसमें लिपटती जा रही है। एंड ब्लॉक ए इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी। अब इसने क्या कहा, ये रॉक 2 meter per second से, लेकिन जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक ए भी नीचे की तरफ आ रहा है, ये 2 meter per second से तो वाइंड कर रहा है, और ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, ये 2 meter per second से नीचे आ रहा है। अब इसने ये नहीं कहा कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे आ रहा 2 meter per second से। इसका मतलब जब मेंशन नहीं किया जाता है तो उसका उसकी वेलोसिटी या उसका एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माना जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करना है कि यहाँ जो एक्स, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लॉक ए है, यानी ब्लॉक ए मतलब ये पूरा बॉक्स, इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 meter per second है। ओके, अब ये बी है हमारे पास में, क्या कह रहा है अब, देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। अब इसने ये भी नहीं कहा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब बी की भी अपने को वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है। तो जब मेंशन नहीं किया जाता है, इसका मतलब यही होता है। क्लियर, अब चलते हैं आगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिफ्ट के रेस्पेक्ट में चला जाता हूँ, बेस्ट ये रहेगा। तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में चले जाते हैं, है ना। तो इसकी वेलोसिटी किधर है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी वी ए वेक्टर जो है ना, वी ए वेक्टर दरअसल ये है -2 j cap meter per second है, और हमें मालूम ही है, ये एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई एक्सिस लेते हैं, तो हम जा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो लिफ्ट को रोक देंगे, तो लिफ्ट रुक गया। तो आप यहाँ देखो, पहले लिफ्ट रुक गया, तो क्या करेंगे, देखो लिफ्ट की वेलोसिटी क्या है, यहाँ ऊपर की तरफ है 2 j cap meter per second। तो पहले वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकाल लेते हैं, यानी वी ए वेक्टर माइनस वी एल वेक्टर, ये हो गया -2 j cap यानी -4 j cap meter per second। इसका मतलब है ये नीचे कितने से आ रहा है, 4 meter per second से आ रहा है, क्योंकि तो रुक गया। अगर ये 4 meter per second से आ रहा, अगर वाइंडिंग नहीं हो रही होती, तो ये ब्लॉक कितने से ऊपर जा रहा होता, 4 meter per second से जा रहा होता है बीबी, लेकिन साथ में 2 meter per second से इसमें वाइंडिंग भी हो रही है, इसका मतलब ये ब्लॉक ऊपर कितने से जा रहा है, 6 meter per second से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये समझ में आया पहले। लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में आया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आया, भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आंसर नहीं आया। ये लॉजिक समझ में आया मैंने क्या कहा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही नीचे की तरफ आ रहा है फोर्स से, ये भी तो फोर्स से जा रहा था, लेकिन साथ में रॉप भी एक्स्ट्रा वाइंडिंग कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ ये, इसका मतलब ये 2 से नीचे आ रहा, तो 2 और एड हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ कितने से जा रहा है, 6 meter per second से जा रहा है। ये बात समझ में आ गई ना, आगे चले। अब ये ऊपर की तरफ है, तो क्या लिखोगे, वी बी एल वेक्टर इक्वल टू वी बी वेक्टर माइनस बी एल वेक्टर, कितना है, 6 j cap। सिक्स जे कैप इक्वल टू वी बी वेक्टर, एक मिनट यार,
तो ये क्या हो गया सिक जे कैप इक्वल टू वी बी वेक्टर माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ बी एल, बी एल कितना है तो माइनस टू जे कैप, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी आ गई है 8 जे कैप मीटर पर सेकंड, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। ये समझ में आया सबको है ना? ओके मेरी आवाज आ रही ना? यस सर। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ये कौन सा डी फाइव था। अब क्या है हमारे पास में डी सिक्स। ये हमारे पास में एक फ्रेम है, ये फ्रेम अपने को दिया हुआ है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट बी है, और एक रोप है यहाँ, ये रोप और ये रोप इस तरह से कि दो पार्टिकल इससे कनेक्टेड है और ये स्ट्रेच्ड है। तो ये कह रहा है कि टू बीड्स ए एंड बी मूव अलोंग अ फिक्स्ड सेमी सर्कुलर वायर फ्रेम इज शोन इन द फिगर। ये सेमी सर्कुलर वायर है, तो आप ये देखो ये जो पार्टिकल है ये तो हमेशा सर्कल में घूमेगा, यानी यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसकी तो वेलोसिटी इसके अलोंग होगी वी बी, और ये इसका सेंटर है, ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री होगा है ना, ये जो एंगल है यहाँ ये तो 90 डिग्री होगा, और क्या क्या दिया इसने, और ये जो बीड है यहाँ ए ये किधर जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या दिया इसने यू दिया। अब अपने को क्या क्या कह रहा है, The beads are connected by an inelastic string which always remains tight. At an instant, the speed of A is u, or BAC. ये जो angle है BAC, ये दिया इसने 45 है, और BOC ये angle 75 है। अगर ऐसा है तो यहाँ देखो ये angle कितना है, ये angle कितना हो जाएगा 80 प्लस यानी 120 हो गया, मतलब ये कितना हो गया, सॉरी 120 नहीं, ये एंगल कितना होगा भाई 105 ना, यानी ये एंगल कितना हो गया 105 प्लस 45 कितना हो गया 150, इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हो गया हमारे पास में 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये कितना हो गया 60 डिग्री। और अब आप देखो कि ये स्ट्रिंग टॉट है, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं करेगी, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं करी इसका मतलब इसकी ये वेलोसिटी और इसकी ये वेलोसिटी दोनों सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं करेगी। ये बात समझ में आई? इसका मतलब B का ये जो कंपोनेंट है B का ये कितना मिलेगा अपने को बी बी cos 60, और इसको आगे एक्सटेंड करो ये एंगल कितना है 45 अगर एंगल है तो इसका ये जो कंपोनेंट है ये क्या मिलेगा U cos 45, इसका मतलब हुआ VB cos 60 इक्वल टू क्या होना चाहिए U cos 45 होना चाहिए, U cos 45 होना चाहिए। ये कितना आ गया VB आ गया 1/2 इक्वल टू U इंटू 1/√2, तो VB इक्वल टू क्या हो गया U 2/√2, यानी VB इक्वल टू आ गया U √2। ये आंसर है। तो यहाँ भी इन दोनों पॉइंट के बीच, तो आपको याद है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अगर है ना तो दोनों वेलोसिटी अगर सेम हो गई तो इनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा ना, इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग के अलोंग हमेशा वेलोसिटीज का कंपोनेंट, जैसे कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन या उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं सेम होते हैं, उसी तरह स्ट्रिंग के अलोंग भी है ये कॉन्सेप्ट, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है।
D6 हो गया। नेक्स्ट हमारा ई में नहीं है डाउट आप लोगों को किसी को भी, ये तो कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड, ये तो सारा कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास में F1, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। तो F1 में क्या हो रहा है, एक बात पहले ये ध्यान रखो, अगर मान लो ये स्प्रिंग, ये मान लो स्प्रिंग बैलेंस है हमारे पास में, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ, एमजी लग रहा है। आप देख रहे हो कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है कि नहीं, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, ये मानते हो? तो यहाँ जो रीडिंग आती है हमारे पास, ये रीडिंग क्या लेते हैं हम लोग, अगर मान लो इसमें केक्स नॉट है तो हम लोग क्या लेते हैं, केक्स नॉट इक्वल टू एमजी, ये रीडिंग लेते हैं कि नहीं लेते हैं इसकी? तो यहाँ देखो अगर ये रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है यहाँ अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो और ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ, एम जी लग रहा है यहाँ, तो यहाँ क्या लग रहा है हमारे पास में, केक्स नॉट, इसको भी क्या लग रहा है, केक्स नॉट, इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, केक्स नॉट, और ये भी क्या होना चाहिए, केक्स नॉट होना चाहिए, है ना? आप देखो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इस पर भी इधर केक्स नॉट लग रहा है और इधर भी केक्स नॉट लग रहा है, लेकिन रीडिंग तो हमारी यही आ रही है ना एम जी, ऐसा थोड़ी कि टू केक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग रीडिंग आ रही है, ऐसा हो रहा है क्या यहाँ, नहीं हो रहा है ना? तो वैसा ही केस यहाँ भी है, इसमें भी ऐसा ही दिया है इसने कि ये स्प्रिंग बैलेंस है, क्योंकि इसका मास 1 kg है, इसका मास भी 1 kg है, इसको डाउनवर्ड कितना लग रहा है यहाँ, 10 N हो जाएगा ना, क्योंकि 1 × g करोगे, यहाँ भी 1 × g करोगे तो कितना हो गया 10 N। इसका मतलब है कि यहाँ अगर आप टेंशन लेके जाओगे तो यहाँ का टेंशन ये सेम होगा, है ना? क्योंकि यहाँ का टेंशन ये टी, तो टी इक्वल टू क्या रहा हमारे पास में 10 N, तो यहाँ भी ऐसा ही है, ये भी टी होगा, ये भी टी होगा, टी एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है, टी इक्वल टू के एक से तो है, इसका मतलब इधर का टी, तो रीडिंग तो एक ही होगी, टू टी थोड़ी होगी, इसलिए आंसर क्या हो गया यहाँ 10 N होगा, यही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया यहाँ वाला है, तो आंसर क्या होगा यहाँ, जैसे इसमें देखा हमने, आंसर हो गया 10 N, यानी जो स्प्रिंग की जो रीडिंग आएगी केक्स नॉट इक्वल टू टी इक्वल टू 10 N, ये होगा आंसर। क्लियर है भाई? चलो आज इतना ही करेंगे, अब आप क्या करो, एक्सरसाइज 3 कर लिया आप लोगों ने? हाँ तो एक्सरसाइज 3 कर लो, और इसका जो सेक्शन एच है ना पार्ट 1 पार्ट 2, और इसका एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 भी कर लो, वो तो मैं डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना? एक तो ये हो गया, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 करना है। देखो एक्सरसाइज 1 में क्या ही रह गया, सेक्शन एच पार्ट 1 पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, ये करना है। होमवर्क में क्या क्या है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सेक्शन एच, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, और डीपीपी तो आपने कर लिया, तो उसमें से एक डीपीपी डिस्कस कर लूंगा मैं, आज इतना ही, ठीक है? चलिए फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।